शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबके दुखों को अपनी झोली में समेट कर सुख का वरदान देने वाली ये गंगा है। इसका प्यार बेलौस है, एक मां की तरह। इसीलिए सारे देश में ये गंगा मां कहलाती है। ऐसे ही गुणों से सजी ये भी एक मां है। इस मां का नाम भी गंगा है। दिखाई नहीं देता क्या? आंखों में चर्बी आई है। माफ करना भाई, ठोकर लग गई थी। ठोकर लग गई थी या किसी यार के ख्याल में डूब गई थी? क्या कहा? खबरदार, जो फिर कभी ऐसी गंदी बात मुझसे निकाली तो। मिस्टर शर्मा, आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत से ऐसी गंदी और गिरी हुई बात करते हैं आप? मजदूर मजदूरी करने की तनख्वाह लेता है, गाली सुनने की नहीं। आई एम सॉरी सर। बहन, तुम मजदूर नहीं लगती, किसी अच्छे घराने की लगती हो। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मेरा भी छोटा सा एक हंसता खिलता परिवार था। मेरे आंगन में भी कभी खुशियों की शहनाई बजा करती थी। ठाकुर साहब को बुलाइए। पंडित जी, पंडित जी कुछ देर रुक जाइए, वो अभी आते ही होंगे। गंगा, गंगा। क्या हुआ? लाला ने पैसे दिए? हाँ गंगा, देखा तो नहीं? लाखों की हवेली भला 50,000 में कौन गिरवी नहीं रखेगा। ओ, ये लो। सेवर भी आ गए हैं, बिल्कुल नए लग रहे हैं। अब गीता की शादी धूमधाम से होगी। गंगा, तो तुमने अपने जेवर भी? वाकई गंगा, तुम्हारा हृदय गंगा की तरह विशाल है। छोड़ो। कभी मौत से नहीं डरता, ये डाकू क्या चीज है? खबरदार, तुम अपनी जगह से हिला वरना गोली का निशाना बना दिया जाएगा। घेर लो चारों से मंडप को, उतार लो सब औरतों के जेवरात और लूट लो सारी हवेली। मंडप को घेरने वाले अब तुम खुद घेरे में आ चुके हो। देखता क्या, आप फोड़ दूंगा। अगर तुम में से किसी ने गोली चलाई तो मैं तुम्हारे सरदार को खत्म कर दूंगा। डाकू रूपा सिंह, तुम्हारे ऊपर लगाए हुए तमाम जुर्म साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत तुम्हारे लिए सजाए मौत तजवीज करती है। गंगा, अरे भाई गंगा जी, गंगा। गंगा यहां है, पर तुम क्यों दंगा मचा रहे हो? भाई तुम कहां भाग जाती हो? लो, तीन तीन बच्चों की मां होने के बाद भी कोई भाग सकता है? देख क्या रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें आज ही ब्याह के लाया हूं। अरे शंभू देख रहा है। नहीं बीबी जी, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे तो आप क्यों खड़ा, चल भाग यहां से। बच्चे कहां हैं? बच्चे बच्चे मुन्ना और प्रकाश सो रहे हैं। हाँ। मोहन स्कूल गए, अभी आता ही। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन तुम छुपा क्या रहे हो? इसमें भाई देखो, इसमें हमारी और तुम्हारी शादी की सालगिरह का एक तोहफा है। बताओ क्या हो सकता है? साड़ी? नहीं, सोचो। नेकलेस? ना, और सोचो सोचो सोचो।
नहीं सोच सकी ना, हार गई बोलो। अच्छा बाबा हार गई बस। पक्का? लो तुम्हें देख लो। अरे ये तो बहुत ही अच्छा शॉल है। हाँ गंगा, जानती हो ये शॉल कितने दिन चलता है? हम तुम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन ये शॉल हमारी और तुम्हारी जवानी की याद दिलाता रहेगा। देखो महारानी लग रही हो। महाराज क्या है? अब आप ये कपड़े बदलिए, हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। कल की रात हमारे सरदार की आखिरी रात है, अगर कल सरदार को नहीं छुड़ाया तो परसों से फांसी हो जाएगी। जानते हो कल अमावस की रात है और अमावस का अंधेरा हमारे सरदार की जिंदगी में नई रोशनी बनकर आएगा। रूपा तुम? हाँ मेरा निशाना बहुत तेज है ठाकुर, जिसने तो क्या परछाई भी काट डालता है। यहाँ क्यों आए हो? हिसाब चुकाने। काश रूपा इस वक्त मेरे हाथ में मेरी बंदूक होती। मैंने तेरी आखिरी ख्वाहिश भी मंजूर की, जा उठा बंदूक। सच कह रहे रूपा? रूपा निहत्ते पर वार नहीं करता, बंदूक तुम्हारे हाथ में होगी लेकिन तुम गोली नहीं चला सकोगे। उठा बंदूक। जिंदगी में पहली बार पुलिस रूपा को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई इस बोलिए की वजह से। ले चलो इसे। मोहन कहाँ है तू? जय राम जी की ठाकुराई। बहुत दुख हुआ ठाकुर साहब का सुनकर। ठाकुर साहब के साथ साथ इस हवेली की रवनक भी चली गई, रह गई बस एक मौत की लकीर जो सीधी मेरे दरवाजे तक खींच कर छोड़ गए। लाला हाँ मुझे गलत ना समझो ठाकुरायन, मैं तो ये कहने आया था कि तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें हर घड़ी ठाकुर साहब की याद सताएगी। अरे मेरी मानो तो झाड़ू मारो और छोड़ दो इस हवेली को। मैं तुम्हारी बात समझ गई लाला, समझ गई। प्रकाश उठ बेटा उठ। लाला औरत की तकदीर सिंदूर से उसकी मांग में लिखी जाती है, मांग उजड़ जाए तो तकदीर भी बिगड़ जाती है। क्या है? उठा ले इस बच्चे को, बचा ले अपने घर को बर्बाद होने से और छुपा ले उस झूठ को जो तुम अपने पति से बोल चुकी हो कि तेरी गोद में उसका 6 महीने का बच्चा है। तेरा पति इसी खुशी में हजारों मील का सफर तय करके कल वापस आ रहा है। अगर उसने तेरी गोद में बच्चा ना देखा तो वो उसी समय वापस चला जाएगा और दूसरी शादी कर लेगा। कौन हो तुम? बहन मुझे बचा लो बहन, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। आओ बैठो। बहन मुझे बहुत दूर जाना है, आज की रात मुझे सहारा दे दो, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जमुना। जमुना? हाँ मेरा नाम गंगा है। गंगा? सुना था गंगा ने हमेशा जमुना का साथ दिया है।
बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी गंगा बहन। आज से तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह नहीं बल्कि घर के एक मेंबर की तरह रहोगी। आजा बेटा, आजा बेटा। ये मेरी बच्ची है, आज से मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। लो जा बेटा। आओ बेटे। जा। दिल के जख्म तब तक रिश्ते रहते हैं जब तक बदले का मरहम उन्हें भर नहीं देता। मेरा जख्म भी तभी भरेगा जब मेरी बंदूक आग थूकेगी और तू चाटेगा। सूत्र था, तुमने तो नहीं देखा ना? सुन लो जी, उस रोज अंगूठी गुम हुई थी तो इल्जाम मुझ पर ही लगा था और आज। बहू, बात को उल्टा मत समझा करो। मैंने सोचा आज तुम लोगों की शादी की सालगिरह है, वो मंगलसूत्र मैं तुम्हें दे दूं। मुझे नहीं चाहिए बेवा का मंगलसूत्र। बहू, मैं अपना अपमान सह सकती हूँ लेकिन अपने पति। माँ, झगड़ा मत करो। दरअसल बात यह है कि ये मंगलसूत्र तुम्हारे लिए बेकार था और मेरी शांता के खूबसूरत पांव सुने थे, तो मैंने इस मंगलसूत्र को तोड़वा कर अपनी शांता के लिए पायल बनवा दिए। देखो ना कितनी खूबसूरत लगती है ये पायल मेरी शांता के पांव। तूने मेरे सर के ताज को अपनी बीवी के पांव पे चढ़ा दिया। यही मंगलसूत्र तो आखिरी निशानी थी तेरे पिता की। जो जिंदा है उनका ख्याल नहीं और मुर्दों की पूजा होती है। मुझसे बड़ी भूल हो गई बहू। मैंने प्रकाश की खुशी की खातिर ठाकुरों का मान उनकी परंपरा को तोड़कर तुम लोगों से रिश्ता जोड़ दिया। मेरा बाप रिश्ता मांगने नहीं आया था, तुम लोगों ने हमारी दहलीज तोड़ डाली थी भिखमंगों की तरह। बहू जाओ जाओ, वर्मा सेठ के झूठे बर्तन तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चलो जी, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, कहीं बाहर घूमाए। माँ, तुम्हारे बिना अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। अब तुम जल्दी से गांव छोड़ के शहर आ जाओ। हाँ माँ, जल्द आ जाओ। मेरा गाड़ियों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है माँ, रोज नई से नई गाड़ियां खरीदता हूँ। और जानती हो माँ, तुम्हारे लिए मैंने नया घर भी खरीद लिया है। तुम ऑफिस में आ जाओ। गुड मॉर्निंग घनश्याम से। मिल गई जिसकी तलाश थी, वो गाड़ी ले आया हूँ। आप एक बार देखिए तो सही, आपको नशा आ जाएगा सेठ जी। और ये रही गाड़ी की चाबी सेठ जी, सिर्फ इसी चाबी से दरवाजा खुलेगा। अगर कोई बम भी मारे ना तब भी दरवाजा नहीं खुलेगा। सारा चोर लोग है ना, स्क्रू ड्राइवर के साथ आगे का बोनट खोल ही डालता है, पर अपना गाड़ी है ना। स्क्रू ड्राइवर तो क्या, पत्थर तोड़ने वाला सलिया भी मारेगा ना, इसका बोनट खुलने वाला नहीं।
बताओ तुम्हारा सरदार कहाँ है? रूपा कहाँ है मुझे बता दो, वरना माँ कसम सारी जिंदगी ऐसे लटकते रहोगे। हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो शहर में रहता है। शहर में? कीड़ की जब मौत आती है शहर ही की तरफ भागता है। तुम रूपा डाकू के बेटे हो, वो डाकू जिसने जिंदगी में जो कुछ चाहा छीन कर हासिल किया, तुम्हारी तरह चोरी नहीं की। आप क्या कह रहे हैं डैडी, मैंने कोई चोरी नहीं की। पहचानते हो इसे? ये मेरा आदमी है जिससे 1,00,000 की रकम लेकर तुमने वर्मा के टेंडर बेच डाले। रंजीत तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी चोरी मेरे आदमी ने पकड़ी। अगर तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेने के लिए वर्मा ने अपना आदमी भेजा होता तो जानते हो उसका अंजाम क्या होता? हमारी सारी स्कीम फेल हो गई होती। डैडी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंदर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जब तक तुम वर्मा के दामाद बनकर उसकी सारी जायदाद पर कब्जा नहीं कर लेते तुम्हें शराफत और ईमानदारी का नाटक खेलना होगा, समझे? ये रास्ता क्यों बंद है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैं अभी देखता हूं अंकल। उतरने की तकलीफ मत करो सेठ, सिर्फ बैग का मुंह खोलो, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। बैग का मुंह इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। फैसला करने से पहले उधर भी देख लो और मेरा हाथ भी। ये हाथ बैग तो क्या, गूंगों की जबान भी खोल देता है। ए बदतमीज, अरे 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 अबे साले जोर से पकड़। चलो तो ये है आपका ताकत वाला हाथ, जरा देखो। मुझे क्या पकड़ रखा है, उधर जाओ जाओ। गांव में डाके, शहर में बदमाशी, उस दोस्त गांव में तो तू बच गया था, अब बता तेरा सरदार कहां है? बोल बोल, नहीं मां कसम टुकड़े करके फेंक दूंगा। बोल बोल। अरे ये तो मर गया। ऐसे कुत्तों का यही अंजाम होता है अंकल। ठीक कहा आपने, इस छोटे कुत्ते की मौत ने बड़े कुत्ते को कुछ दिन की जिंदगी और बख्श दी है। चलिए अंकल। लेकिन कंप्लेन? आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। आज पगडंडी तो मिल गई है, मंजिल भी मुझे मिल जाएगी। बात दरअसल ऐसा है कि तुम्हारा आदमी ने हमको मना तो किया था, हमने भी उसकी जबान से बहुत समझा, वो सुना नहीं, मजबूरन हमको अपना हाथ का। क्या इसने ये नहीं बताया कि आज की रात यहाँ किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं? हाँ बताया तो था, मगर भाई साहब बात ऐसा है कि कोठे के ऊपर आने के लिए आदमी को अपना जेब से इजाजत लेना पड़ता है, किसी इंसान से नहीं।
ये कोटा बहुत महंगा है बड़े मियां, यहाँ जेबे नहीं तिजोरियां बिक जाती हैं। ओ कुर्बान कुर्बान, तुम तिजोरी का बात करता है? भाईजान हमारा जेब किसी बैंक से कम नहीं, बैंक से है। और कबूतर का औलाद, हमारे ऊपर ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म करो। नोट का गर्मी से तंबाकू का मजा और मीठा हो जाते हैं, तुम कष्ट लेगा? बड़ा मियाँ धुएं की तरह यहाँ से उठते हुए नजर आओ। वजह? आज की रात मेरे साहब ने खरीद ली है, समझा? कौन कितना पानी में उसका फैसला नोट का गर्मी का बाद होगा, समझा? चलो कबूतर का औलाद पकड़ो। हाँ मुनिजान शुरू हो जाओ। ओ तिजोरी वाला साहब, क्या बात है, तिजोरी खाली हो गया? बस वो अभी तो शतरंज बिछा है, अभी तो बाजी शुरू होगा, किधर जाते? और शुरू ही रहेगी बड़े मियाँ, जब तक मैं तुम्हें मात नहीं दे देता। जाओ। ओए मेरे खान, मैं तुम पे कुर्बान। ओ प्यारा अम्मी जान, ये नोट बाजार में न जाए, इसका रखना ध्यान, वरना बेवजह करेगा पुलिस तुमको परेशान, हमारा दाढ़ी की तरह। वो नोट भी नकली है। हाँ? हाय गर्ल्स। हाय सूरत। नाउ लिसन गर्ल्स, मैं थोड़ी देर में इस ट्यूब को पानी के अंदर फेंकूंगा, आप में से जो भी सबसे पहले इस ट्यूब तक पहुंच जाएगा उसे जलपरी का खिताब भी मिलेगा और उसके साथ साथ ये ट्यूब भी। आज इस ट्यूब की कीमत 1000 रुपए है। ओके गर्ल्स, नाउ गेट इट। इट्स ऑल योर गर्ल्स। ये क्या चीज है ब्रदर? गुरु, खोद के कबर लाया हूं ये खबर। उस बैग पर जरा डालो नजर, उस बैग के अंदर सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है ब्रदर। तो फिर निकालो पैतरा नंबर 312 ब्रदर। यस सर। खूबसूरत नाटक करते हैं आप। बरखुरदार, ये तो एक नमूना दिखाया हमने, असली नाटक तो अब शुरू होने वाला। अरे सेठ जी, इतना माल है भी तिजोरी में या कहीं और जाऊं? अजी ऐसी क्या बात करो, लक्ष्मी माई की बात कृपा है, डबल ले चाय से। अजी ये बताओ जी कि इसमें खोट कितनो है? भाई तुमसे कम है सेठ जी। मजाक करो, कितने में बेचोगे? भाई बेचूंगा नहीं, रखूंगा इसे 50,000 रोकड़ों में। इतने का माल तो कौन ही? अरे वो है जी, है भाजी, मैं तो मजाक करूं तो ये लो 50,000 एकदम रोकड़ो है, और चाहो तो गिन लो। अरे सेठ जी, गिनने की क्या जरूरत है, तुमने कहा हमने मानी, नानक ने कहा दोनों की आनी है। मिस्टर, मैं कहती हूँ ये लेटेस्ट नावल की दुकान है, ये पुरानी किताबों का कब्रिस्तान, हिमालयन हरप्पा मोहनजोदड़ो, शर्म नहीं आती, पत्थर के जमाने का इंसान। अरे मुझे आजकल के एक्साइटिंग नावल्स चाहिए, उस जमाने के लिए जब इंसान बंदर था। क्या था? बंदर था। हाँ, था क्या? अब भी है। अब भी है? कहाँ है? सामने जो खड़ा है। जी जी जी। ऐसे आपको कौन कौन से नावल चाहिए? जेम्स हार्डी चेस है? नहीं। बैंक रॉबरी है? नहीं है। द ग्रेट एस्केप है? ग्रेट एस्केप अरेबियत, जिसमें एक चोर जेल की सलाखें तोड़कर भाग निकला था। जेल से भाग निकला था? नहीं है।
और शट अप, कल तक ये सब किताबें मेरे घर पे पहुंचा देना, समझे? क्यों बे, किस बागीचे का फूल है ये? अपने ही बगीचे का फूल है। अबे ओए, इस फूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लडी फूल, उस फूल की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी यहाँ से गया है। आहिस्ता बोलो, कहीं भूल से भी उस फूल ने सुन लिया तो धूल के फूल हो जाओगी। क्यों बे, किसी थानेदार की बेटी है? मालदार की बेटी है, शहर के सबसे बड़े रईस वर्मा सेठ की इकलौती बेटी है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, खाली, ये देखिए, ये खाली, और ये चोर की लिखी हुई चिट्ठी जिसमें आज रात को उसने फिर से चोरी करने की धमकी दी है। वर्मा साहब, ये तो मैंने एक मामूली नमूना पेश किया है, असल हाथ तो आज रात को मारूंगा। आप अपनी तसल्ली के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए, फिर ना कहिएगा कि चोर ने हमें खबर नहीं की। आपका शुभचिंतक। अब क्या होगा डैडी? ओहो, रो नहीं बेटी, इंस्पेक्टर यादव ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए बहुत ही मशहूर है। 2 लाख रुपए की तो बात है, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन डैडी, वो चोर आज रात को फिर आएगा ना? घबराइए मत मैडम, ऐसी आंख मिचोली हमने बहुत खेली है। अगर वो चोर वादे का पक्का है तो आज रात की चोरी उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी। डैडी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट। बेटी, उसके पास इतनी बड़ी पिस्टल थी डैडी, और वो तो से भाग गया। आप मेरे साथ आइए, चलिए, हरी आप इंस्पेक्टर। लेकिन वो आया किधर से था? वो आपके बेडरूम से। ओह नो, नो, ओह नो। क्या डैडी, लाखों रुपए आप गरीबों में बांट देते हैं और ये मामूली से चोरी के लिए इतनी ड्रामाबाजी? ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये सामान जो चोरी हुआ है इसमें तेरी मां की कुछ निशानियां थी जो उसने तेरी शादी के लिए रखी हुई थी। I'm sorry डैडी, मुझे आपके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए था। मजाक? हाँ डैडी, माँ की निशानी किसी और ने नहीं, मैंने चुरा कर रखी है, और कल वाली चोरी में भी मेरा ही हाथ था। तुम्हारा? जी, मैं इतनी जासूसी नावल पढ़ती हूँ, मैं अपने आप को चेक करना चाहती थी कि मैंने उनसे कुछ हासिल भी किया है कि नहीं। अच्छा अच्छा, कहाँ है जेवरात? गद्दे के नीचे। गद्दे के नीचे? यहाँ तो नहीं है? नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नहीं। डैडी, मैंने यही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं आपकी कसम खाती हूँ डैडी, मैंने यही रखे थे। ठीक है, मैं भी इंस्पेक्टर को खबर करता हूँ। हेलो। घर के बाहर पहरा लगवाकर अंदर चोरी करना बड़ी मामूली बात है मैडम। चोरी तो वो होती है कि पहरा लगा हो, बाहर से आओ और माल लेकर चले जाओ। कौन हो तुम? आपकी तरह मैं भी एक चोर हूं, अगर माल वापस चाहिए तो वर्सोवा में एक भल्ला मोटर्स है, कल रात को वहां चली आइएगा। ऊपर कहां जा रही हैं आप? कमाल है,
सामने जो लाल गाड़ी खड़ी है उसमें आप बैठ जाइए। घबराइए नहीं मैडम, आप गाड़ी में बैठ जाइए और स्टार्ट कीजिए। लेकिन इसके तो पहिए नहीं है। पहियों की फिक्र मत कीजिए, आप गाड़ी में बैठ जाइए। फैंटास्टिक यार। आगे बढ़िए और इस स्टैचू का हाथ दबाइए। ये किताबें मैंने सिर्फ पढ़ी ही नहीं, रटी हुई है। मगर आप हैं कहां? जरा सामने तो आइए। हेलो, कहिए, यहां तक आने में आपको डर तो नहीं लगा? डर? अरे डर किस बात का, ऑन द कॉन्ट्ररी मजा आ रहा था। बगैर पहिए की मोटर, उसका बेस खुलना, फिर खौफनाक सीढ़ियों से नीचे उतरना, फिर ताली बजा बजा कर म्यूजिक का आना जाना, धिकधड़क धिकधड़क। लेकिन एक चीज बड़ी ही बोगस निकली। कौन सी चीज? आपकी एंट्री जी। अरे मैंने समझा था कि धड़ाम से दरवाजा खुलेगा और जूम करके आप जमीन से निकलेंगे, लेकिन बड़ी बंदा निकली। एक काम करते हैं, मैं बाहर जाती हूँ, फिर से वापस अंदर आती हूँ और आप कोई नए तरीके से अंदर से निकलिए, कोई जलवे शलवे, कोई छुट्टियाँ। ओके, ठहरिए। क्या? जब आपको दोबारा बुलाऊंगा ना तो वैसे ही एंट्री दिखाऊंगा। प्रॉमिस। अच्छा ये बताइए कि माल वापस करने की कीमत क्या लेंगे? आप ये बताइए कि सारा माल अपने परम पूजनीय पिताजी को वापस करने का आप क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। अरे मैंने तो सस्पेंस और थ्रिल पैदा करने के लिए किया है। करेक्ट, मैंने भी सिर्फ सस्पेंस और थ्रिल पैदा करने के लिए किया था। इस कसम की चोरी एक आर्ट है मैडम, और आर्ट की कोई कीमत नहीं होती। ये रहा आपका माल, चेक कर लीजिए और ले जाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही थी कि आप हैं तो चोर लेकिन बातें समझदारी की करते हैं। समझदार हूं तभी तो चोरी करता हूं। पॉइंट। अब एक समझदारी का काम आप भी करेंगे। क्या? जैसा कि आते वक्त आपने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। बिल्कुल नहीं। नहीं बताया था? नहीं, ना? वैसे ही जाते वक्त भी आप नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस। 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 ले जाइए।
चोरी कर रहा था? अब नहीं माँ, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तुमसे मैंने कहा था ना कि बड़े बाबू को 100 रुपए दूंगा तो मुझे काम देंगे। शांता को भी मालूम है, तुम घर में नहीं थी माँ, मुझे 12 बजे पहुंचना था, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा अच्छा, भगवान करे तुझे काम मिल जाए। उठाओ ये रद्दी के टुकड़े और निकल जाओ यहाँ से। मैं नाचती हूँ, आवाज बेचती हूँ, जिस्म नहीं बेचती। और हम कोई चीज अधूरी नहीं खरीदते। ये सुरीली आवाज वाला गला, ये चेहरे की रौनक, ये होठों की सुर्खी और ये कमर की लचक, सारा का सारा जिस्म खरीद लिया करते हैं। तुमने आज गलत दरवाजे पे दस्तक दी है रंजीत सेठ। चमेली मर जाएगी मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगी। कोठे पर बैठकर इज्जत और शरावत की बातें नहीं करते हैं चमेली जान। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं अपने उस्ताद जी और अम्मी को बुलाऊंगी। बुला। अम्मी, अम्मी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, अम्मी, 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 आ जाओ अम्मी, अम्मी। ए, कोई नहीं आएगा क्योंकि तेरी अम्मी और तबलची के कान मैंने सोने से भर दिए हैं चमेली भाई। चमेली जान, गंगा जल पीना होता है तो आदमी मंदिर में जाता है, शराब पीनी होती है तो मैं खाने में, और हुस्न पीना हो तो तवायफ खाने में। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगी मैं। चमेली जान, आंख मार दो, हम वैसे ही मर जाएंगे। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक, मैं तुम्हें जिंदा नहीं। चमेली भाई, ये तुमको चाकू किसने मारा है? डोंट वरी, अरे ये तो मर गई, ये तो सच में मर गई। अब क्या होगा? फांसी होगी। हाँ, फांसी जरूर होगी तुम्हें। फांसी मुझे नहीं, तुम्हें होगी। मुझे? लेकिन क्यों? क्योंकि इस खंजर पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है, इसलिए ये खून तुमने किया है। अगर तुमने पुलिस में ये ना कहा, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। मेरा नाम दारा है, दारा, समझे? नहीं जैसा, मेरे बेटे में कोई खोट नहीं। अगर खोट है तो मेरी तकदीर में। पहले ही तकदीर ने मुझे मेरे दो दो बेटे छीन लिए, अब इसे छीनकर मेरी कोख मत उजाड़िए। अदालत को आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ हैं। जब तक मुल्जिम अपनी बेगुनाही का सबूत अदालत को नहीं देता, अदालत मजबूर है। बेटा, तू चुप क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कहते कि खून तुमने नहीं किया, कहते कि तू बेकसूर है। अगर तू चुप रहा ना तो मैं समझूंगी तेरी रगों में तेरे बाप का खून नहीं है। तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तूने मेरा दूध नहीं पिया। तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुल्जिम को जेरे दफा 302 उम्र कैद की सजा देती है। नहीं, नहीं। Thank you.
से ना तुम मेरी सास ना मैं तेरी बहू, मैं तुम लोगों का साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। अबे ओ लंगड़े, ले तू भी ले। अठन्नी सेठ, ये अठन्नी तुम अपने ही पास रख लो, बुरे वक्त में काम आएगी। क्यों मां? मलंग बेटे, आज कितने लोग मंदिर में आए, देखो कितनी सारी कमाई होगी, भगवान करे ऐसे त्योहार रोज आए। ऐसी दुआएं मत मांग मां, कभी कभी त्योहार आते हैं इसीलिए लोग मंदिर चले आते हैं। रोज रोज त्योहार आएंगे कोई नहीं आने वाला, फिर उसी दिन आएंगे जिस दिन त्योहार नहीं होगा। एक बात पूछूं मां, तुम अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए दिन रात दूसरों के जूते संभालती हो और रोज भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाती हो, और मैं भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जहां से भी गुजरता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन ऊपर वाले पर उसका कोई असर ही नहीं, जरूर तुम्हारे बेटे में खोट है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, देखना एक दिन वो जरूर जेल से छूट के आएगा। हाँ, माँ को बेटे का दोष थोड़ी ही नजर आएगा, ममता का आंचल तो बुराइयां भी ढक दिया करता है। देखो मां, ये रहा वो चक्का, और इस चक्के से वो चक्कर लाया गया, ये रहा तुम्हारा माल। बेटा, भगवान तेरा भला करे, तू सदा सुखी रहे, तेरी लंबी उम्र हो। यही है वो चोर जिसने मेरी मोटरसाइकिल चुराई थी, पकड़ लो उसको। नहीं नहीं हवालदार साहब, ये चोर नहीं है, ये आदमी मेरे पैसे चुरा कर भाग रहा था, इसे पकड़ने के लिए इसने मोटरसाइकिल उठाई होगी। आप चाहे तो इन लोगों से पूछ लीजिए, पूछिए इन लोगों से। अरे वाह वाह वाह, चोर पकड़ने के लिए मेरी ही मोटरसाइकिल मिली थी, 4000 में खरीदी थी मैंने। चोर बाजार में भी 4000 में तने नहीं मिले, आज तो हमारी भीड़ छे ना, इना 6000 में मने अपावेला छे आई गाड़ी। आजो मारी गाड़ी ना पेपर बताओ, हमने तमने बताओ बाबा बताओ, ओवर है। आजो जो तो खाना तमे, हां आ थाली में छे ना, वो गाड़ी ने बताओ तमने। आ छे ना, हां आ मारा टैक्स ना पेपर छे, आ बीजो बीजो आ बीजो छे ना, आई आई मारा इंश्योरेंस छे, जो जो जो। क्यों बेटा मुरलीधर, चोरी खुद और दोषारोपण अपने परम पूजनीय पिताजी पर? 4000 की मोटरसाइकिल तो नहीं है, लेकिन 4000 आके जमानत के इंतजाम करवा लेना है। इंस्पेक्टर साहब, दोनों लंगूरों को एक ही जीप में ले जाना, चल बे। चोर की हालत। कमाल है भाई कमाल है, अब हिसाब देखो जरा, पैसा लेके भागा चोर, जिसकी गाड़ी लेके भागा वो भी निकला चोर। इसका मतलब ये हुआ, जो चोर को पकड़ के लाया वो भी जरूर होना चाहिए चोर। मलंग, कुछ तो सोचा कर, जो मुंह में आया बोल देता है, ऐसे भले आदमी के बारे में भी। भला आदमी होगा माँ, लेकिन अपने हिसाब में तो बिल्कुल वही बैठता है।
क्षमा कीजिएगा, अगर बात बाहर न जाने पाए तो आपका हिसाब सही है, निकल लीजिए पतली गली से। जय संतोषी माँ। डैडी यूनो, एक गरीब औरत है, उसका बेटा खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे यकीन है डैडी कि उसका बेटा कातिल नहीं है। बेचारी कई बरसों से दिन में तो किसी के घर में बर्तन साफ करती है और बाकी समय में किसी मंदिर की सीढ़ी में बैठकर लोगों के जूते इकट्ठे करती है। डैडी उसे पांच पांच दस दस पैसे इकट्ठे करके अपना पेट मार के फाके करके 10,000 रुपए इकट्ठे किए हैं। और डैडी उसका कहना है कि जो भी आदमी उसके बेटे को छुड़ाएगा वो 10,000 रुपए उसके चरणों में रख देगी और जिंदगी भर उसकी जूतियां साफ करेगी। मेरा यकीन है डैडी कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा, एक माँ को अपने बेटे से जरूर मिलाएगा। अरे खटमल, अरे देख देख वो बुढ़िया फिर यहाँ आ गई। यार मुझे यहाँ आए एक महीना हो गया, इतनी बार तो जेलर यहाँ नहीं आया जितनी बार ये बेचारी आ चुकी। आखिर माँ है ना यार। वो तो ठीक है यार, लेकिन क्या हर माँ ऐसी होती है? कैसा है तू? माँ तू बार बार क्यों आती है? बेटा तुझे क्या मालूम माँ क्या होती है, उसकी ममता क्या होती है? माँ अगर समंदर के सारे पानी को स्याही बनाकर लिखे तब भी वो अपनी कहानी पूरी नहीं लिख सकेगी। वो तो मैं जानता हूं माँ, लेकिन आज फिर तू अकेली आई, शांता को क्यों नहीं लाई? हाँ आपकी आऊंगी ना तो उसे जरूर ये सुनते सुनते बरसों बीत गए माँ। उसे तो पूरा घर संभालना पड़ता है, दिन रात काम करती रहती है, बच्चे की देखभाल करती है, मेरी सेवा करती है, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती उसे। 126 टाइम हो गया, चलो। 24वीं सदी की वनस्पति औलाद, माँ के आने की खुशी नहीं बीवी के ना आने का दुख हो रहा है। तुम फिर आ गई, मैंने तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना। बेटी प्रकाश तुझे और राजू को बहुत याद करता है, एक बार तो उसे जाकर नहीं मिल सकती? कभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि राजू को पता चले कि वह खूनी बाप का बेटा है और बड़ा होकर अपने बाप के रास्ते पर चलने लग जाए। बेटी इंसान के भाग में जो रास्ता लिखा होता है उसे हर हाल में उस पर चलना ही पड़ता है। औलाद की परवरिश करना, उसे सच्चा रास्ता बताना माँ का काम है, लेकिन उसे सुधारना और बिगाड़ना तो भगवान के हाथ में है। वो चाहे तो डाकू के घर में अवतार पैदा कर दे और चाहे तो अवतार के घर में डाकू। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, इस वक्त मेरा बच्चा घर पर है, मैं नहीं चाहती कि वो हमारी बकवास सुने। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ दादी माँ मेरी चॉकलेट कहाँ है? अभी बताओ ना, मेरी चॉकलेट कहाँ छुपा रखी है बताओ ना। ये ले राजू, तू इन्हें कैसे जानता है? माँ ये रोज मेरी स्कूल में आती है, मुझे प्यार करती है और मुझे इतनी चॉकलेट भी देती है। दादी माँ कल तुम क्यों नहीं आई? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और कल दोपहर को मैंने खाना भी नहीं खाया। राजू चल स्कूल जाओ, जाओ। दादी माँ अब तुम रोज आओगी ना? हाँ बेटे। राजू। हाँ हाँ जाता हूँ ना, क्यों चिल्लाती हो? अब क्या हो गया? एक जरूरी बात याद आई। क्या? पप्पी। टाटा। क्या तुमने राजू को सब कुछ बता दिया? नहीं, वो तो समझता है कि मैं किसी की नौकरानी हूँ। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तुम उसे नहीं मिलोगी, समझी? जुल्म करना तो तुमने मुझे सिखाया है, तुमने मुझे पत्थर बना दिया है। मैंने? हाँ तुमने। ना तुम ऐसे औलाद को जन्म देती, ना वो मेरा पति होता, ना उसके जीते जी मैं अपनी माँ का खंडन मिटा डालती। तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा भी जिंदा है लेकिन मेरे लिए मर चुका है। बहू, मैं किसी की बहू नहीं, वो खूनी है। किसी खूनी की बीवी कहलाने से मैं विधवा कहलाना बेहतर समझती हूँ। बहू, तूने स्त्री धन को गाली दी है, औरत जाति का अपमान किया है। औरत तो पति के लाश के सामने भी अपने आप को सुहागन समझती है और तुमने तो सुहागन होते हुए भी अपने आप को विधवा बना डाला।
भगवान भी एक बार अपना अपमान सहन कर लेता है, लेकिन स्त्री के मुंह से अपने पति का अपमान वो कभी सहन नहीं करता, कभी सहन नहीं करता। पति पति पति, क्या सुख दिया है उसने मुझे? कौन सा फर्ज पूरा किया है उसने? जो एक कातिल है, एक खूनी बेटे की माँ कहलाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तो बेहोश हो गई, लगता है काफी चोट आई है। ये सेठिया गाड़ी रोड पर चलाते हैं और नजर आसमान पर होती है। दौलत के नशे में ये लोग अंधे होते हैं। इसका नशा तो मैं ऐसे उतारूंगा, गाड़ी चलाना तो क्या, पैदल चलना भी भूल जाएगा। मलंग बाबा, ये लड़ने का वक्त नहीं है, पहले माँ को हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट से ज्यादा शॉक लगा है बेचारी को, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। सेठ, शुक्र करो मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, वरना अब तक तुम भी इसी अस्पताल के किसी कोने में जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहे होते। पलंग बाबा, यही तो मैं भी सोच रहा था, ना तो वो औरत तुम्हारी माँ है ना तुम उसके बेटे हो, फिर भी तुम तेवर ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुमने उसी की कोख से जन्म लिया। सिर्फ जन्म देने वाली ही मां नहीं होती सेठ, जिसके आशीर्वाद में भगवान का तेज होता है वो भी मां होती है, जिसके गोद में सर रखते ही गमों से छुटकारा मिल जाता है वो भी मां होती है। इसीलिए तो मैं पूछना चाहता हूं, इस औरत के लिए तुम्हें इतनी अकीदत, इतना प्यार क्यों है? इसलिए कि मुझे उसमें अपनी मां नजर आती है, वो भी इसी की तरह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती थी, और उसी उसूल पे उसने अपनी जान दे दी। क्या हुआ उसे? बहुत दुख भरी सच्चाई है सेठ, बहुत साल पहले मैं अपनी मां के साथ गांव जा रहा था, अचानक मां की नजर रेल की पटरी पर पड़ी, एक मासूम सा बच्चा बेहोश पड़ा था और दूर से गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चली आ रही थी। क्यों भराई? जिसे तुम्हारी मां ने अपनी जान देकर जिंदगी बख्शी थी वो बदनसीब मैं हूं। अब तुम सड़कों पर नहीं भटकोगे मलंग बाबा, मैं तुम्हारी मां को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि अपनी आंखों के साथ तुम्हें अपने दोनों टांगों पर चलता हुआ देख सकता हूं। ये मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना, और ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए। नहीं सेठ, ऊपर वाले की ही इच्छा है कि मैं इसी हाल में रहूं, उसकी मर्जी और उसके हुक्म के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मलंग बाबा, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब कर्मों का फल है। जय संतोषी मां, जय संतोषी मां।